शाहजहांपुर जिले के विकासखंड बंडा वैसे तो घोटालों के लिए मशहूर है। यहां प्रधान हो या सेक्रेटरी, जनता के पैसे को भंडारे का माल समझकर खा रहे हैं। इन्हें किसी तरह का डर खौफ नहीं है, और डर हो भी क्यों, वो जितना भी घोटाले करते हैं वो अधिकारियों के संरक्षण में ही तो करते हैं। बंडा और खोटार ब्लॉक में कई बार घोटाले उजागर हुए, लेकिन किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तो खाओ और खिलाओ की नीति के चलते ये सब आम बात हो गई है। ऑपरेशन जनसमस्या के तहत आज एबीएन की टीम पहुंच गई बंडा ब्लॉक के गांव पेपरिया घासी में। यहां पर ना तो शौचालय ही बने हैं और ना ही गरीब लोगों के आवास। अगर कुछ लोगों के शौचालय बन भी रहे हैं तो उनमें भी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। शौचालय में प्रयोग किए जाने वाले ईंट भी पीली लगाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ODF के तहत बन रहे शौचालय में लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। जिनका शौचालय बनता है तो उसे भी गड्ढा खोदना पड़ता है और बालू भी खुद ही लाकर देनी पड़ती है। ये कारनामे योगी सरकार के विकास के दावे की कलई खोलने के लिए काफी हैं। लोगों की बातें सुनने के बाद जब हमारी टीम गांव के अंदर पहुंची तो देखा कि मुख्य रास्ते पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा था, जो स्वच्छ भारत अभियान की मजाक भी उड़ा रहा था। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर, क्या कहना है पिपरिया घासी में रहने वाले लोगों का, जो कि आज खाओ खिलाओ की नीति के भेंट चढ़े हुए हैं, जिनकी सुनने वाला आज कोई नहीं है। मैं संदीप शर्मा अपनी सहयोगी गोल्डी कौर के साथ पहुंचे हैं बंडा ब्लॉक के गांव पिपरिया घासी में। यहां जानेंगे लोगों की समस्या, उसके बाद में देखेंगे यहां पर प्रधान, सांसद, विधायक ने क्या तीर मारे, क्या विकास किया जिसकी सरकार दावों की पोल खोलती हुई खबर हम आपके सामने लाएंगे। लोगों की जुबानी। क्या नाम है आपका? गुलाब शंकर। अच्छा, आपको कोई सरकार द्वारा योजना का लाभ मिला है? हमें कुछ नहीं मिला। कौन से गांव में रहते हैं आप? पिपरिया घासी। अच्छा, सरकार ने जो योजना चलाई उसमें से कोई भी लाभ आवास वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आपका आवास कैसा है, कच्चा है पक्का है? कच्चा है, जिसे जैसे है देख लो वैसे है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? आदेश कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं सर? पिपरिया घासी। अच्छा भाई साहब, ये बताएं क्या है पूरा मामला? अपात्र लोगों को पात्र बनाया जा रहा है जी, पात्र लोगों को काटा जा रहा है। अच्छा। इस मकान के हालात आप देख रहे हैं जी, इतना लेट्रिन है ना, रहने का आवास है जी। यहाँ रहते थे वो लड़का जो मिथिलेश कुमार रह रहा था, वो हरिद्वार स्टाम काम कर रहा है। जगह की प्रॉब्लम, रहने का कोई साधन नहीं, खाने का कोई इंतजाम नहीं जी। जो आपके गांव में शौचालय बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं? शौचालय की तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उनका नहीं बना है अभी तक। नहीं नहीं, उसमें किस प्रकार की सामग्री वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है जानकारी? उसमें बताया जा रहा है 12,000 रुपए लग रहे हैं, पीला ईंट लग रहा है। अच्छा अच्छा, और जो है शौचालय तो सामने है, सब देख लिया जाए। आपके प्रधान का क्या नाम है? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी जी। भीतर हम ले चलते हैं आपको, स्वच्छ भारत अभियान का भी नजारा दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है स्वच्छता दिवस और कैसे मनाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान, और कैसे गांव में फैली है गंदगी। दिखाते हैं आपको आगे की रोड। कहाँ रहते हैं? पिपरिया घासी। हाँ जी, पिपरिया घासी। अच्छा बेटा, आपको शौचालय मिला है? नहीं। तो कहाँ जाते हैं आप? खेतों में शौचालय के लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित। अच्छा, घर वाले का नाम क्या है? यहाँ मौजूद जो आपके पिताजी हैं, कौन है? रामदेव। रामदेव जी का घर है ये है? रामदेव जी के घर पे शौचालय नहीं नहीं है। ऐसा बता रहे हैं कि गड्ढे भी इन्हें खुद खोदने पड़ते हैं। यहाँ की स्थिति देखी जाए तो मात्र 3 फुट ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर अगर ईंट की बात की जाए तो ईंट भी पीली है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं किस तरीके से ये जो पीली ईंट प्रयोग की जा रही है, बिल्कुल भ्रष्टाचार भरा हुआ है ये। आप साफ कैमरे में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके की जो पीली ईंट है लगाई जा रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ODF के तहत बन रहे शौचालयों में लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। आवास और शौचालय के लिए आई हुई ईंट का भी आपको नजारा दिखाते हैं। दिखाते हैं आपको यह पूरा माजरा किस तरीके से, ये जो पुरानी ईंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये पुरानी ईंट आवास के लिए लाई गई है, और इसके अलावा पुरानी ईंट के अलावा आप सीधा कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं किस तरीके से ये जो पीली ईंट है ये ODF के तहत बन रहे शौचालयों के लिए लगाई जा रही है, जो बिल्कुल ही आप देख सकते हैं कैमरे में बेकार ईंट है, यानी कि पीला ईंट है। मैं अपनी सहयोगी गोल्डी कौर के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, ABN। अपने कैमरामैन सहयोगी गोल्डी कौर के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, ABN।